के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे सीएम योगी, विकास कार्यों को लेकर किया समीक्षा बैठक, बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। भारतीय गायक कृषि एवं समय स्वास्थ्य विषय पर बीएचयू में 5 अगस्त से होगी 2 दिवसीय संगोष्ठी। अग्रसेन महिला समाज ने आयोजित की हरियाली तीज उत्सव, हरे प्रधान में सज धज कर महिलाओं ने आयोजित किया रंगारंग कार्यक्रम। और मुस्लिम पक्ष के आग्रह पर ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई 18 अगस्त को। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जिले में करोड़ों की सौगात देकर अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तय समय पर अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच गए हैं। पुलिस लाइन ग्राउंड से उनका काफिला सीधे सर्किट हाउस के लिए रवाना हुआ, जहां वो मंडल स्तर की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद फुलवरिया फोर लेन और सारनाथ में बन रहे 30 बेड के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री कमिश्नरी सभागार में 2 घंटे तक आगामी त्योहार पर सतर्कता, कोविड नियंत्रण और विकास कार्यों के संबंध में मंडल स्तर की बैठक करेंगे। इस बैठक में वाराणसी के समस्त अधिकारी मौजूद रहेंगे, पर जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात में सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन शुक्रवार की सुबह लखनऊ वापस लौट जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री आजमगढ़ में करोड़ों की सौगात देने के बाद वाराणसी पहुंचे हैं। ज्ञानवापी मसले पर मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव के आकस्मिक निधन पे कोर्ट में सुनवाई को लेकर मुस्लिम पक्ष ने 15 दिन का समय कोर्ट से मांगा है। श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव जी के आकस्मिक निधन के कारण मुस्लिम पक्ष ने 15 दिन का समय मांगते हुए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन के लिए दाखिल वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर गुरुवार को सुनवाई हुई और 18 अगस्त तक टल गई। गुरुवार को सुनवाई से पूर्व मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर समय देने की मांग की। अधिवक्ता अभयनाथ यादव का निधन 31 जुलाई को रात में हृदयघात से हुआ था। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में गुरुवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विशेश्वर की अदालत में सुनवाई होनी पिछली तिथि पर मंदिर पक्ष की ओर से वादी राखी सिंह के अधिवक्ता मान बहादुर सिंह ने बहस पूरी कर ली है। अब मस्जिद पक्ष को दलील पेश करनी थी। मस्जिद पक्ष के वकील अभयनाथ यादव के निधन के कारण सुनवाई टल गई है। अभी तक मुस्लिम पक्ष से अभयनाथ यादव ही बहस करते थे। पिछले वर्ष सिविल जज की अदालत में श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन संबंधित मांग को लेकर राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने गुहार लगाई थी। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने बात सुनवाई योग्य है या नहीं, यह सवाल उठाया। सबसे पहले अंजुमन इंतजामिया की ओर से वाद को खारिज करने के लिए बहस की गई। इसके बाद 4 वादी महिलाओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विष्णु जैन ने बहस की। पिछली तिथि पर वादी संख्या 1 राखी सिंह की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। उन्होंने एक मोहलत की दरखास्त दिया है, उसके लिए टाइम मांगा और जो तो 18 तारीख लगी है। सर, क्यों समय मांगने की कोई वजह भी नहीं कि हमारे जो लोग अभयनाथ यादव जो मुकदमा कर रहे थे उनका ध्यान हो गया, सबको पता है, उसके लिए कुछ तैयारी हम लोग करना होगा। यादव के निधन के बाद ये प्रार्थना पत्र विपक्षी द्वारा दिया गया कि उनके चेंबर में पत्रावली है और फिर ही जब तक उनकी खत्म नहीं हो जाती है, समाप्त हो जाती है, संपन्न हो जाती है, तब तक ये मुकदमे के लिए यह कार्रवाई हो पाना संभव नहीं है। हम लोगों ने भी सीन करके छोड़ दिया, क्योंकि अधिवक्ता की बात थी, 18 अगस्त को डेट लगी है अगली सुनवाई की। 5 से 7 अगस्त तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान सभागार में भारतीय गाय कृषि एवं समय स्वास्थ्य विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित किया जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र के सभागार में 5 से 7 अगस्त तक भारतीय गाय कृषि एवं समय स्वास्थ्य विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन के माध्यम एवं आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के एन मूर्ति
आयोजन सचिव प्रोफेसर ओपी सिंह एवं प्रोफेसर सुनंदा पटेकर ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता कर बताया कि संगोष्ठी के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, आसाम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश आदि प्रदेशों से लगभग 300 प्रतिभागी हिस्सा लेकर शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा मॉरिशस, श्रीलंका एवं नेपाल के भी विशेषज्ञ शामिल होंगे। तीन मुख्य विषय हैं, कृषि है, देशी नस्लों का महत्व है, पंचगव्य। ये तीन नस्लों पर कार्यशाला के अंदर चर्चा होगी और इसके विशेषज्ञ रहेंगे। इसके 6 लगभग मुख्य सत्र हैं और परिसंवाद भी जिसको बोलते हैं, पैनल डिस्कशन वगैरह, उसके बाद उसमें कुछ थोड़ा प्रश्नोत्तर चर्चा वो सब रहेगी। इसके देश भर में जो कार्य चल रहे हैं, जैसे फार्मेसी कुछ कर रहा है, पशु विज्ञान कुछ विशेष ध्यान दे रहे हैं, कृषि वाले के विशेषज्ञ हैं, जैविक कृषि के क्या विशेष उत्पादन है, क्या विशेष विधियाँ हैं जिसको परखा गया, देखा गया, जिसके ऊपर कुछ अभ्यास या कुछ रिसर्च शोध हुए हैं। पंचगव्य जी गोमूत्र अर्घ से पंचगव्य घृत है, ये इतनी औषधि आपके सामने हैं, ये सबका भी आप चित्र बताइए। इसमें पंचगव्य घृत है, अष्टमंगल घृत है, स्मरण शक्ति बढ़ाना, पंचगव्य एंटीपिलेप्टिक है, एंटी कैंसर है, वो मिर्गी से लेके लकवा से लेके कई सारे रोगों को दूर करता है। ये सारों का निचोड़, इसमें क्या क्या चल रहा है, इनकी विशेष विधियाँ क्या है, इसकी देखभाल क्या है, गौशालाएँ स्वावलंबी कैसी हो रही है, ये सारे चर्चा के विषय। गुरुवार को काशी पत्रकार संघ की ओर से परांठकर भवन में पत्रकारों व उनके परिजनों को कोविड-19 के 50 बूस्टर डोज लगाए गए। काशी पत्रकार संघ के तत्वाधान में परांठकर स्मृति भवन में पत्रकारों और उनके परिजनों को कोविड-19 के 50 बूस्टर डोज आज लगाए गए। इस कार्य में ANM रूपा दुबे, सुप्रिया, सोनी देवी ने सहयोग किया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह, महामंत्री डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, पूर्व अध्यक्ष बीबी यादव, उपाध्यक्ष उमेश गुप्ता, मंत्री राधेश्याम कमल, कार्य समिति सदस्य विनय शंकर सिंह, शैलेश चौरसिया, प्रेस क्लब अध्यक्ष चंदन रूपानी, मंत्री पंकज त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष शंकर चतुर्वेदी, रोहित चतुर्वेदी की सहभागिता रही। टीकाकरण में सहयोग कार्यालय प्रभारी विश्वदीप बापुली और राजू चौरसिया ने किया। इस अवसर पर संतोष चौरसिया, जयप्रकाश श्रीवास्तव, सुरेश मिश्रा, राजेंद्र यादव, अशोक यादव, चंद्रकांत सिंह, विमलेश कुमार चतुर्वेदी, अवधेश सिंह, मुन्ना लाल साहनी, अनुज अग्रवाल, ब्रिज कुमार पांडे, संजय गुप्ता, राम सुंदर मिश्रा, श्रीधर त्रिपाठी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पत्रकारों के लिए सामूहिक वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है और चूँकि संघ के लगभग 300 से ज़्यादा सदस्य हैं, वो जगह जगह उनको जा करके लगवाना पड़ता है और उनके परिवार वालों को भी दिक्कत होती है, तो उनकी सुविधा का ख्याल करके यहाँ पे शिविर लगाया गया है। इसमें आज बूस्टर डोज लगवा रहे हैं लोग जो पहले 2 डोज लगवा चुके हैं। जिन लोगों को अभी तक कोई डोज नहीं लगा था उनके लिए भी व्यवस्था है, वो भी इसमें लगवा सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आगे भी अगर कुछ लोग इससे छूट जाते हैं तो उनके लिए देखा जाएगा आगे की व्यवस्था। जितने भी पत्रकार साथी हैं, अपने भाई हैं, उनके लिए बूस्टर डोज की व्यवस्था काशी पत्रकार संघ में की गई है और वो इसलिए की गई है कि पहला डोज और दूसरा डोज भी यहीं लगा है और हमारे साथियों को, उनके परिवार वालों को भीड़ भाड़ से बचाव के लिए, उनको धूप में खड़ा ना होना पड़े, तो हमारे पास बड़ा हाल है, यहाँ बैठ करके पूरी व्यवस्था कर दी जाती है। और अब इस बार हम लोग ने बूस्टर डोज की व्यवस्था की है और आगे भी जो भी सुविधाएं देने की हम कोशिश करेंगे और हमारे पत्रकार भाइयों को जिस चीज़ की व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है हम लोग उसके तत्पर रहते हैं और हमेशा ये सहयोग रहता है और हमारे साथी भी हमारा पूरा सहयोग करते हैं, इससे हमको बल भी मिलता है और हम उनके हित के लिए जो योजनाएँ हैं वो लागू करने में प्राथमिकता के तौर पर सजग रहते हैं। अग्रसेन महिला समाज की तरफ से संकट मोचन स्थित एक होटल में गुरुवार को हरियाली तीज का कार्यक्रम आयोजित हुआ। आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक हरियाली तीज उत्सव संकट मोचन के एक होटल में अग्रसेन महिला समाज की तरफ से सावन के महीने में हरियाली तीज का कार्यक्रम 4 अगस्त को मनाया गया। सावन में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, प्रकृति की घटा को देखकर मन नाच उठता है। उपस्थित सभी महिलाओं ने हरे परिधान में सज धज कर रंगारंग कार्यक्रम, गणेश वंदना, नित्य कजरी, सावन के लोकगीत, हाउसिंग गेम इत्यादि प्रस्तुत करके मन मोह लिया। संस्थापक अंजलि अग्रवाल तथा अध्यक्ष संगीता अग्रवाल ने सभी को धन्यवाद दिया। डॉक्टर मिथिलेश सिंगल, इंदु अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल, रेखा, निशा, सुषमा, सुनीता, रेणु, रीना, सलोनी, वीणा, किरण, जयंती, अनीता, अंजलि, शशि, आभा, तुलिका, नीलम, वीणा आदि महिलाएं उपस्थित रही। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ।
शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। नैक एक्रेडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। एडमिशन ओपन फॉर BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMuse, BTC, DLED and BEd, BPed, Bachelor of Library Science, BA, MassCom and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university. NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity. डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर PMC हॉस्पिटल, रविंद्रपुरी, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1,00,000 से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएँ प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन, बिहाइंड दुर्गाकुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542-2310155 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। देश अपनी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है, जिसको लेकर कोतवाली जोन अध्यक्ष राजू शर्मा ने ठेला पटरी खोमचा व्यवसायियों को झंडा वितरित किया। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी के कोतवाली जोन के अध्यक्ष राजू शर्मा के नेतृत्व में आज मैदान पर ठेले, खोमचे व स्कूल के छात्रों को तिरंगा बांटा गया। लोगों से अपील भी की गई कि सभी अपने घर पर तिरंगा लगाएं, क्योंकि देश आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजू शर्मा, राजन यादव, सागर शर्मा, दीपक रस्तोगी, राहुल यादव, राहुल केसरी, राकेश केसरी, रवि रस्तोगी, बबलू रस्तोगी आदि लोग उपस्थित रहे। समस्त ठेला वाले अग्रसेन कॉलेज के बच्चों को तिरंगा बांटा और मैंने बोला कि अपने घर पर बच्चे जाकर ये तिरंगा लगाना और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का सपनों को पूरा करना। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाह रहे हैं कि हर हम हिंदुस्तानी से यही कहना चाहते हैं बनारस वासियों से कि आप अपने घर पे तिरंगा लगाएं, क्योंकि ये तिरंगे ही हमारी आज़ादी का महसूस करता है। आज तिरंगा का ही देन है कि आज वो जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत पे आज हम अमन चैन की नींद सोते हैं। आज़ाद ये भारत मुल्क में घूमकर हम अपना हर काम, रोजी रोजगार, अपने परिवार को चलाते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राणी विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने टी सेल लिम्फोमा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने टी सेल लिम्फोमा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। यह अध्ययन प्राणी विज्ञान विभाग विज्ञान संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार के मार्गदर्शन में उनके शोध छात्र विशाल कुमार गुप्ता द्वारा किया गया है। शोध छात्र प्रदीप कुमार जसवरा, राजन कुमार तिवारी और शिव गोविंद रावत भी अध्ययन करने वाली टीम में शामिल थे।
इस अध्ययन में पहली बार इस प्रकार के कैंसर को बढ़ाने में लाइसोफॉस्फेटिक एसिड की भूमिका प्रदर्शित की गई है। लाइसोफॉस्फेटिक सबसे सरल प्राकृतिक बायोएक्टिव फॉस्फोलिपिड्स में से एक है, जो उत्तकों की मरम्मत, घाव भरने और कोशिका के जीवित बने रहने में शामिल है। सामान्य शारीरिक स्थितियों के दौरान एलपीए घाव भरने, आंतों के उत्तकों की मरम्मत, इम्यून सेल माइग्रेशन और रूढ़ की मस्तिष्क विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि डिम्ब ग्रंथि, स्तन, प्रोटोस्टेट और कोलोरेक्टल कैंसर के मामले में एलपीए व इसके रिसेप्टर का बढ़ा हुआ स्तर देखा गया है। अभी तक टी सेल लिफोमा बढ़ाने में एलपीए की भूमिका तथा टी सेल लिफोमा के चिकित्सकीय उपचार में एलपीए रिसेप्टर की संभावित क्षमता का मूल्यांकन नहीं किया गया है। इस अध्ययन के प्रयोगात्मक निष्कर्ष उत्साहजनक हैं, क्योंकि यह पहली बार है कि एलपीए के टी सेल लिफोमा को बढ़ावा देने की क्षमता के साथ साथ टी सेल लिफोमा के लिए एलपीए रिसेप्टर के चिकित्सकीय मूल्य को इतने विस्तार से देखा गया है। यह कार्य इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि यह टी सेल लिफोमा के लिए बायोमार्कर के रूप में एलपीए के उपयोग तथा एलपीए रिसेप्टर्स के संबंध में दवा के विकास और डिजाइन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस शोध कार्य को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इस अध्ययन के नतीजे निष्कर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित शोध पत्रिका एप्लोटिसिस में दो भागों में प्रकाशित हुए हैं। कि हमने पाया कि एलपीए काम कर रहा है एलपीए रिसेप्टर के थ्रू, तो माइट बी उसका एंटागोनिस्ट करेगा। अब हम लोग को ये देखना है कि कौन से रिसेप्टर, जो पर्टिकुलरली एलपीए का कौन सा रिसेप्टर जो है टी सेल लिम्फोमा में इन्वॉल्व है। पर्टिकुलरली LPA1, LPA3 इन्वॉल्व है और LPA2, बट इन तीनों में से हम लोग को सेलेक्टिवली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वो, वेदर इट इज LPA, LPA2 और LPA3, क्योंकि इन तीनों को ही KI-16425 ब्लॉक करता है। उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन का 14वां महाधिवेशन सिग्रा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 6 व 7 अगस्त को आयोजित होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन का 14वां महाधिवेशन एवं प्रदर्शनी शामियाना महोत्सव दिनांक 6 व 7 अगस्त को सिग्रा स्थित रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने जा रहा है। इस संदर्भ में एक प्रेस वार्ता करके पदाधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय चेयरमैन मोहन सेठ, राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल, राष्ट्रीय महासचिव अनिल राव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पंकज शौकीन व कई प्रदेशों के पदाधिकारी शिरकत करेंगे। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रास बिहारी शर्मा, महामंत्री पर्वत सिंह भाटी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सरदार परमजीत सिंह खनूजा, कोषाध्यक्ष श्री संजय जैन, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष विनोद खुराना, गुजरात के महामंत्री विनोद भाई अमीन, मध्य प्रदेश से कोषाध्यक्ष शिवचरण शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश कालरा, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष निरंजन सिंह पप्पू, तेलंगाना से सूरज सिंह मल्होत्रा अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर से महामंत्री अमित गुप्ता एवं अन्य कई पदाधिकारी कार्यक्रम में भाग लेने को वाराणसी पहुँच रहे हैं। वाराणसी में उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन का 14वां महाधिवेशन करने जा रहे हैं। इस 14वें महाधिवेशन में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय बृजेश पाठक जी, माननीय मेयर वाराणसी माननीय अनिल राजभर जी आएंगे। इसके साथ दूसरे दिन माननीय श्रीमती रीता बहुगुणा जी और भी कई मंत्री, जिसमें हमारे गोपाल नंदी जी हैं वो भी आ रहे हैं, रविंदर जायसवाल जी भी आ रहे हैं इसमें। इसके साथ साथ हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे चेयरमैन श्री मोहन सेठ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री अनिल राव जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पंकज शौकीन जी और अन्य प्रदेशों से भी हमारे बहुत साथी आ रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सरदार परमजीत सिंह जी हैं, तेलंगाना से सर। इस अधिवेशन का उद्देश्य ये है कि हम जितने भी टेंट व्यवसायी हैं, टेंट का काम करने वाले हैं, बैंकट का काम करने वाले हैं, लाइट और जनरेटर का काम करने वाले हैं, उसका एक ये समूह है। ये हम लोगों का अधिवेशन, ये 14वां अधिवेशन मैंने आपको बताया है। जब ये अधिवेशन होता है तो पूरे प्रदेश से हमारे व्यापारी आते हैं और इसमें आने का मकसद ये रहता है कि एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगती है यहाँ पर,
उस प्रदर्शनी में एक ही छत के नीचे पूरे हिंदुस्तान से आए हुए ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर वहां आते हैं और वो अपनी चीज़ों को यहां दिखाते हैं। उसको नई नई चीज़ों को देखने से जो हमारे कस्बों से और गांव से देहात से आते हैं दुकानदार, उन लोगों को सब जगह नहीं जाना पड़ता, एक ही स्थान पर उनको सभी अच्छी वैरायटी देखने को मिलती हैं। और क्या दिल्ली में चल रहा है, क्या बॉम्बे में है, क्या कलकत्ता में चल रहा है हमारे ट्रेड में, वो सब एक छत के नीचे उनको यहाँ मिलेगा। इस दौरान कुछ कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में जो है हमारा मेन मकसद ये रहेगा कि जो हमारे प्रॉब्लम है, हमने कोविड के 2 साल जो है बहुत बुरे तरीके से गुजारे हैं, हम लोगों के काम धंधे बिल्कुल ठप रहे, आप लोगों को सब मालूम है, आप लोगों ने उसमें हमारा बहुत सहयोग भी किया था उस समय, तो हमारी ये कुछ मांगे भी वहाँ रहेंगी जो हम मंत्रीगण के आगे रखेंगे अपनी बात। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। सच के साथ।